अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज्वेरी एहसान और आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज़। रहनुमा मुस्लिम लीग ऑफ मरकजी सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर यूथ विंग यूएई मुतहदा अरब इमारात ज़ीशान शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं अपने हम वतनों से इस योम आज़ादी पर बस यही कहना चाहता हूँ कि कदर करें अपनी आज़ादी की। आज इस मुल्क में हम आज़ाद ज़िंदगी बसर करें हैं, यह बहुत सारी कुर्बानियाँ देकर मिला। अगर इस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जदोजहद ना की होती, आज हम भी अंग्रेज़ों के ग़ुलाम होते और हमें ऐसा मुल्क नसीब ना होता जिसमें हम अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सकें। इसलिए अपने मुल्क की कदर करें, इस आज़ादी की कदर करें और ये कि अयाम मुहर्रम है और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने वाले सितम को, मज़लूम करबला को याद रखते हुए इस योम आज़ादी पर कुरान ख्वानी करवाएं, पाकिस्तान के लिए दुआ करवाएं और सड़कों पर निकलकर शोर शराबे से परहेज़ करें। सलाम है उन शहदा पर जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करके अंधेर शोबों को सवेरों में ढाला और सलाम है उन तमाम जवानों को जो अपनी जानों की परवाह किए बगैर मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस 14 अगस्त के मौके पर मैं अपने अजीज़ हमवतनों को सिर्फ यही पैगाम देना चाहता हूँ कि कदर करें अपनी आज़ादी की और अपने मुल्क की, क्योंकि ये बहुत सी कुर्बानियाँ देकर हमें मिला है। अगर उस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जदोजहद ना की होती और अलामा इकबाल ने इसका ख्वाब ना देखा होता तो आज हम भी अंग्रेज़ों के ग़ुलाम होते और इस तरह की आज़ाद फ़िज़ा में खुलकर सांस ना ले रहे होते। सलाम है उन शहदा पर जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करके अंधेरी शबों को सवेरों में तब्दील किया और सलाम है उन जवानों पर जो सरहदों पर खड़े होकर अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।